इस कायनात को और इस बाहर पेड़ पौधे को देखने के बाद मुझे एक बात याद आया, यदि आप चिंता करोगे तो जो सृष्टि है, जो इतना सुंदर खूबसूरत पहाड़ और पर्वत पाया जाता है, इसको देखने के लिए लोग दौड़ते हैं। कहां कहां से लोग आते हैं, लोग खुद का पैसा लगाकर वे दूर दूर तक सृष्टि को देखने के लिए जाते हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो सृष्टि को आप देख रहे हैं ना, इसको किसी ने बनाया है, ये तैयार किया हुआ है, अद्भुत है। थोड़ा चिंता करिए, जो सृष्टि को बनाया है वो सृष्टिकर्ता कितना अच्छा नहीं होगा, जिसने कायनात को बनाया वो बनाने वाला कितना अच्छा नहीं होगा। आपको पता चलना चाहिए, आपको मालूम हो बे कि एक पेड़ पौधा पहाड़ पर्वत इतना खूबसूरत है तो उसको बनाने वाला कितना खूबसूरत नहीं होगा। मेरे भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक जीवित परमेश्वर है जो ये आकाश और पृथ्वी को बनाया। इस सृष्टि के बारे में आपको कोई दूसरा किताब में नहीं मिलेगा, संसार का कोई किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा एक किताब है, उसका नाम है पवित्र बाइबल। में लिखा गया परमेश्वर आकाश और पृथ्वी बनाया, और उसके बाद सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। वो परमेश्वर यहोवा है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जिसके जिसने आकाश और पृथ्वी को रचाया। मेरे भाइयों, वो आपको भी बनाया, वो आपको भी तैयार किया है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस सृष्टि के पीछे ना भागे, वरन सृष्टिकर्ता के पीछे भागे। सृष्टि के पीछे अपना जीवन को ना लगाए, वरन जिसने सृष्टि को बनाया उसी परमेश्वर के पीछे आप जाइए। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, आकाश के नीचे धरती के बीच में एक ही नाम, वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। आज तक यदि अपना जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, उनको प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहकर मुंह से स्वीकार करोगे और हृदय से विश्वास करोगे तो आपका जीवन उद्धार हो जाएगा, आपका परिवार उद्धार हो जाएगा, आपका पाप मिटा दिया जाएगा। यदि आप गलत जगहों में हैं, यदि आप कोई पाप में फंसे हो, यदि आप व्यभिचार में हो, यदि आप कोई नशा में हो, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो परमेश्वर ऐसा सृष्टि को सुंदर बनाया, वो परमेश्वर फिर से आपको बना सकता है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कुम्हार है। जैसे कुम्हार मिट्टी को एक बर्तन में बना देता है, वैसे ही आपका बिगड़ा हुआ जीवन को फिर से प्रभु यीशु मसीह बना सकता है। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम सभी लोग उसको विश्वास करें और हम सभी लोग उनको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, तब आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। धन्यवाद। आप जो कोई भी हो, इस वीडियो को देख रहे हो, इस संदेश को सुन रहे हो, मेरे भाइयों, आज तक यदि आपका पाप क्षमा नहीं हुआ है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये दिन, इस वीडियो आपके लिए है। आप केवल प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें और ग्रहण करें, तब आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से प्रभु हम सभी को आशीष दे, और आप इस वीडियो के माध्यम से यदि आशीष पाए हैं तो एक शेयर कर देना, ताकि जो बाकी लोग भी इस वीडियो के माध्यम से आशीष पा सके। धन्यवाद। प्रभु आप सभी को और हमको आशीष दे। आमीन।